हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे ठीक। तो चलें भैया, आज हम आपको दिखा देते हैं कि सिग्नेचर कट हम कैसे करते हैं। प्रॉपर इसकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन ये है कि कुछ कुछ पार्ट जो है वो आपको दिखाने के लिए मैंने शूट किए हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता और कोई अवेलेबल नहीं होता कि जो प्रॉपर वीडियो बनाए, और बैक टू बैक इतने अपॉइंटमेंट होते हैं कि प्रॉपर वीडियो के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो चले, जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैं सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो एलिवेट करके कट कर रही हूँ। जैसे मैंने दो सेक्शन पहले काट लिए हैं, अभी मैंने बिल्कुल फ्रंट वाला सेक्शन लिया और ये इनका कट कर रही हूँ, जिसमें मैंने गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल मिस नहीं की। जैसे मैंने एक तरफ काटा, ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ इसको काटा। अब मैंने फ्रंट से जो है वो पार्टिंग ली, अब फ्रंट से इनका कट करती हूँ। फ्रंट का कट जब भी हम करते हैं तो हमेशा हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उनको कितनी लेंथ चाहिए, कितना शॉर्ट चाहिए, तो फिर हम उस हिसाब से जो है फर्स्ट लेयर स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनके जो है बैंग्स कर रही हूँ, लॉन्ग बैंग्स कर रही हूँ, जो कि बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त लास्ट में आप देखेंगे आफ्टर ब्लो ड्राई ये बहुत अच्छे लगेंगे, तो वो डाल रही हूँ। ये देखिए, लेंथ हमने इनकी ऑलमोस्ट चिन से नीचे ही रखी है। अब मैं दूसरी तरफ से इनके लेयर्स जो हैं, जो मैंने बैंड्स काटे हैं, उसी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छा सा एक लुक आए। मोस्टली ये होता है, लोग फ्रंट बहुत ज़्यादा छोटा करवा लेते हैं, बैक लंबा होता है, तो वो बिल्कुल डिसकनेक्ट सा कट लगता है, कि ये शायद प्रोफेशनल तरीके से हुआ नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कट करवाएं तो हमेशा आपका कनेक्टिंग कट होना चाहिए, जो कनेक्ट होता है बालों के साथ। तो एक साइड मैंने कंप्लीट की, अब मैं दूसरी साइड पे आ रही हूँ। दूसरी साइड पे देखें, बिल्कुल स्लाइड मोड पे मैंने अपने फ्रिंजेस के साथ ही दूसरे लेयर भी कनेक्ट किए हैं। अब वापस से मैंने सेक्शन लिया, जो मेरे बचे हुए बाल हैं उनको लिया और स्लाइड के साथ मैंने इनको बैलेंस किया। स्लाइड करने के बाद अब वापस से मैं इनको बैलेंस कर रही हूँ, ताकि मेरी दोनों साइडें जो है वो इवन आए। सबसे मुश्किल होता है, कट हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस करना जो होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके हेयर जो हैं वो बैलेंस होने चाहिए, तो बैलेंस के लिए फिर हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि जी बाल बैलेंस हैं या नहीं है। तो ये देखें, मैं बार बार जो है बैलेंस अपना चेक कर रही हूँ, और अगर कहीं से भी अनइवन लगा तो हम इसे वापस से जो है बैलेंस करेंगे। बैक के जो बचे बाल थे वो मैंने लिए, वो सारे कनेक्ट किए। अब मैं बैलेंस चेक कर रही हूँ, क्या मेरी दोनों साइडें बराबर हैं। अगर मुझे कहीं से अनइवन लगेगी, कोई छोटी लंबी लगेगी, तो मैं उसे वापस ट्रिम करूँगी। जैसे ये साइड, ये देखिए मेरी थोड़ी सी लंबी निकली है, तो मैंने वापस इसे जो है वो बैलेंस किया है। तो ये था छोटा सा आज का ट्यूटोरियल, और ये रहा इनका फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चाहे आप YouTube पर हैं, Instagram पर हैं या Facebook पर हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसी मज़े के ट्यूटोरियल अब मैं बनाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।